नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल जियो भी न्यूज़ पर। दोस्तों, इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी दोपहर की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। तो दोस्तों, वीडियो को बिना भगाए हुए पूरा अंत तक देखिए। जी हां दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर से दबा दें ताकि हम जो भी वीडियो डाले आप तक पहुंचती रहे। जी हां दोस्तों, मोदी सरकार के तीन बड़े फैसले जिसकी खबर किसी को नहीं थी और आज हुआ चौथा ऐतिहासिक फैसला। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि मोदी सरकार ने सबसे पहला चौंकाने वाला फैसला 28 सितंबर 2016 को लिया था, जिसमें से सरकार ने उरी हमले का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकी कैंप को तबाह कर दिया था। इसी तरीके से मोदी सरकार ने जब 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी का फैसला किया तो इसकी किसी को भनक भी नहीं थी। मोदी सरकार ने तीसरा बड़ा फैसला 26 फरवरी 2019 को लिया, जिसके तहत बालाकोट में एयर स्ट्राइक की गई। पुलवामा हमले का बदला लेने के लिए भारतीय वायुसेना के विमानों ने पाकिस्तान में घुस करके बालाकोट में एयर स्ट्राइक की कार्रवाई को अंजाम दिया और आतंकी ठिकानों पर बम बरसाए। उसी तरीके से आज मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में ये पहला बड़ा फैसला कर दिया है। इसके फैसले में भयानक किसी को नहीं लगी। लोग बस यह कवायद लगा रहे हैं कि मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 11 दिनों में मोदी सरकार कश्मीर को लेकर के किसी बड़े फैसले की तरफ बढ़ रही है। सबसे पहले 26 जुलाई को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल कश्मीर के दौरे पर पहुंच गए हैं ताकि कश्मीर को लेकर के बड़े फैसले के संकेत मिल रहे हैं। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि उन्नाव कांड। सीबीआई ने 3 घंटे तक की ट्रक हेल्पर्स के घर की छानबीन, खंगाले दस्तावेज। यूपी के उन्नाव में चर्चित रेप पीड़िता की कार टक्कर की जांच के मामले में 5 सदस्यीय सीबीआई की टीम रविवार को बांदा पहुंची। टीम ने बांदा के पैलानी कस्बे में रहने वाले ट्रक के खलासी मोहन के घर करीबन 3 घंटे तक छानबीन की और घर में रखे दस्तावेजों को भी खंगाला। सीबीआई ने जिला पंचायत के ठेकेदार से भी पूछताछ की। बताया जा रहा है कि घटना वाले दिन ट्रक बांदा से मेरोन लेकर के गया था। आपको बता दें कि उन्नाव एक्सीडेंट में आरोपी ट्रक ड्राइवर का एक्सक्लूसिव वीडियो भी सामने आया है। रायबरेली में हुए एक्सीडेंट के समय ट्रक को जो ड्राइवर चला रहा था उसने सीबीआई की टीम पूछताछ की। ड्राइवर आशीष कुमार पाल ने कहा है कि हादसे वाले दिन ट्रक के माल लोड करके बांदा से लांगा लेकर के गांव में जा रहे थे और करीबन 12 बजे रायबरेली पहुंचे, फिर अनलोड कर आगे के लिए निकल गए थे और बारिश शुरू हो गई थी। जी हां दोस्तों, अगली खबर में आपको बता दें कि संसद में गृह मंत्री अमित शाह का ऐलान, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया जाए। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पर बीते 10 दिनों में जारी हलचल, अनिश्चितता और अटकनों को विराम लगाते हुए मोदी सरकार ने कैबिनेट की बैठक में बड़ा फैसला लिया है। मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का ऐलान किया है। मोदी सरकार की कैबिनेट के फैसले की जानकारी गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में दी है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के इस फैसले का मतलब यह है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को लेकर के विशेषाधिकार मिले थे वो अब खत्म हो जाएंगे और जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य हो जाएगा। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि इस डर से गिरा पाकिस्तान का शेयर बाजार, डूबे लाखों करोड़ रुपए। जी हां दोस्तों, भारतीय सेना की बढ़ती गतिविधि का असर पाकिस्तान के शेयर बाजार पर भी दिख रहा है। पिछले 4 दिनों में लगातार भारी गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के चलते पाकिस्तानी शेयर बाजार का प्रमुख चेंबर्स इंडेक्स KIC 100 साल में सबसे निचले स्तर पर आ गया है। वहीं ब्रिक्स का कहना है कि इस दौरान निवेशकों को करीबन 21 करोड़ पाकिस्तानी रुपए डूब गए हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान का शेयर बाजार पिछले 2 साल में दुनिया का सबसे खराब प्रदर्शन कर रहा है। अर्थशास्त्रों का कहना है कि IMF से करीबन 6 अरब डॉलर के कर्ज को मंजूर करने के बावजूद देश की समस्याओं से तुरंत राहत नहीं मिली है। ट्वीट करके लोगों ने कहा है कि इमरान सरकार पूरी तरीके से नाकाम साबित हुई है, यह देश को दिन तक दिन गरीब बना रही है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि कश्मीर में बड़ा एक्शन, आधी रात को उमर और महबूबा मुक्त किए गए नजरबंद। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर पर हर किसी की नजर बनी हुई है। आंतरिक सुरक्षा बलों की तैनाती के साथ साथ राजनीतिक हलचल भी बढ़ रही है। ऐसे में सरकार कश्मीर पर बड़ा फैसला लेकर के आई है, इस पर भी सबकी नजर बनी हुई है। कश्मीर से लगातार बदलते हालात के बीच राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और PDP प्रमुख महबूबा मुफ्ती और NCP नेता उमर अब्दुल्ला को श्रीनगर से नजरबंद कर दिया गया है। नजरबंद होने के बाद उमर अब्दुल्ला ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि हिंसा से केवल उन लोगों को हाथों में खेलेंगे जो राज्य की भलाई नहीं चाहते हैं। शांति के साथ रहें और ईश्वर आपके साथ हमेशा रहेगा। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के मसले पर सोनिया गांधी ने वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की बैठक बुलाई है। जी हां दोस्तों, जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी ने अपने वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है। यूपीए चेयरपर्सन और पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक बुलाई है, जिसमें से बैठक में शामिल होने वाले कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद, अहमद पटेल और आनंद शर्मा पहुंच चुके हैं। यह बैठक संसद भवन में होने जा रही है।